हे गाइस, ये वीडियो में एक छोटा सा मैसेज है, सो प्लीज़ बिना स्किप के वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं। आज कॉलेज में बहुत मजा आया, दीप का पैन खुल गया, उसका शक्ल देखने लायक था। तू कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह। तल्ली हो करना चढ़ दे, ओ मुझे चढ़ गई, मुझे चढ़ गई, ओ मुझे चढ़ गई आज शरारत। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के जाने से, जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों। आज तो देखते ही होश उड़ जाएंगे जी सुनिए। ओहो, कॉल भी आ गए थे ना आपका। जाओ हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको थप्पड़ मारने की, अभी बताता हूँ इसको। रुक जा, इसका घमंड मैं तोड़ूंगा वक्त आने पे। चिड़ैया नन्ही
बैड न्यूज है यार, लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। अगर शोभा को पता चला तो वो और टूट जाएगी। किसने कहा मैं टूट जाऊंगी? वो लोग ने रिश्ता ही ना तोड़ा है, और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, सिर्फ फेस से मतलब रहा बात मेरे फेस का। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाना तक नसीब नहीं होता है, जो चल नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, कुछ लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने की उम्र में भीख मांगते हैं। प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होता है, क्योंकि जिन्हें छोड़ दे तो मैं कैसे हार मानूँ यार। हाँ, कुछ पल के लिए बुरा ज़रूर लगा था मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे लड़कों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे ना तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। कब तक इग्नोर करेंगे ऐसे लड़कों को? आज मेरे साथ गलत किया है, कल किसी और के साथ करेंगे। देख, ये सब बातें कहने और सुनने में ही अच्छी लगती है। असल ज़िंदगी में ये समाज हमें लड़कियों को लड़कों से आगे कभी बनी नहीं। ऐसा नहीं है यार, अपनी हालात पहले से कितने बदतर नहीं है। लड़कियों को सेफ्टी को लेकर काफ़ी कानून सख्त किया गया है। आए दिन सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पर कुछ ना कुछ चलते रहता है लड़कियों की सेफ्टी को लेकर। इनफैक्ट अगर मैं और मेरे जैसी लड़कियाँ जिसके साथ गलत हुआ है वो चाहे ना तो वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं इन लड़कों का। लेकिन तू कैसे लड़ेगी इन लड़कों से? उसने कहा मैं अकेली, तुम दोनों हो ना मेरे साथ, हम तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। किसी के साथ गलत करके अपने बारी का इंतजार जरूर करना। सो गाइज, आप सबको यही मैसेज देना था कि प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में होते हैं, बट उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना चाहिए ये हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जिसके लाइफ में हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी वो स्माइल करके अपने सारे प्रॉब्लम से डील करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं। सो मुझे पर्सनली जानने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग अस।